दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि रिलायंस जियो की तरफ से एक नया एप्लीकेशन जो कि जियो फाइनेंस नाम से एप्लीकेशन शुरू किया गया है, लेकिन जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में ही एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी लॉन्च किया गया है। देखो पहले जो आप जियो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते थे उसमें जो डेबिट कार्ड मिलता था वो केवल यूपीआई के लिए मिलता था। अभी भी वो अकाउंट है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, लेकिन जो नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया है ना उसमें आपको एक रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है। और जब आप अकाउंट खोलते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है वैसे ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत दे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जियो फाइनेंस एप्लीकेशन के जरिए आप जीरो बैलेंस अकाउंट जियो पेमेंट बैंक का नया वाला खोल सकते हैं। अगर आप पुराने वाला भी खोलना चाहें तो इसी एप्लीकेशन से आप वो भी खोल सकते हैं, लेकिन पुराने वाले खोलकर क्या फायदा जब रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल ही रहा है और बाकी जो अकाउंट है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है और फीचर सब कुछ सेम ही है। तो आप नया वाला अकाउंट खोलिए और जो भी समस्या हो रहा है ना अकाउंट खोलने में, अगर मान लो कि आपका सेल्फी में समस्या हो रहा है या फिर केवाईसी में समस्या हो रहा है या डेबिट कार्ड वगैरह में समस्या हो रहा है, ये सारा समस्या के ऊपर भी बात करेंगे और कैसे आप इस समस्या से आगे निकल सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जियो फाइनेंस एप्लीकेशन जो कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आपको जो है यूपीआई भी इस्तेमाल करने को मिलता है, रिचार्ज बिल पेमेंट की सर्विस भी मिलता है, लोन इंश्योरेंस की सर्विस भी मिलता है, वॉलेट की सर्विस भी मिलता है और सेविंग्स अकाउंट की सर्विस भी मिलता है। और आप इस एप्लीकेशन से अगर अकाउंट खोल लेते हैं तो उसके बाद जो आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे ना तो यही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप जो है आगे मतलब क्या करेंगे कि अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस वगैरह चेक कर पाएंगे या फिर फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज का लाभ ले सकेंगे। देखिए जिस तरह से माई जियो एप्लीकेशन में फाइनेंस वाला एक ऑप्शन अलग दिया जाता था वो सारे सर्विसेज अब जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में दे दिया गया है, लेकिन इसमें एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अकाउंट खुलता है बिना देर किए हुए डिटेल के साथ आती है। दोस्तों अभी जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ना यही रिलायंस जियो की तरफ से जियो फाइनेंस बीटा करके लॉन्च किया गया है और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर काफी आसानी से मिल जाता है। अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता तो आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जिस पर क्लिक करके सीधे आप प्ले स्टोर पर आ जाओगे और उसके बाद अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करिए। एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ ये एप्लीकेशन ओपन होता है, ओवरव्यू कुछ दिखाया जाता है, जस्ट आपको लॉगिन बटन पर नीचे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। आप यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जिससे आप अकाउंट वगैरह खोलना चाहते हैं या फिर बाद में भी आप दूसरा मोबाइल नंबर से खोल सकती हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करिए, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अलाउ करेंगे, ऑटोमेटिक यहां पर सबमिट हो जाएगा, बोल रहा कि फिंगरप्रिंट इनेबल कर दीजिए, लॉक जो कि मैंने इनेबल कर दिया। उसके बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जो जो फीचर्स है वो इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। अगर आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नहीं भी खोलते हैं तो इसका यूपीआई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इंश्योरेंस और लोन वाली सर्विसेज मिलती है, लेकिन लोन में कमिंग सून रहेगा। अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद डिवाइस वेरिफिकेशन कराया जाएगा एसएमएस के थ्रू, तो आप अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके नंबर से एक एसएमएस भेजा जाएगा और उसके बाद डिवाइस वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट और वॉलेट अकाउंट खोलने की ऑप्शन आता है, तो सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए गेट ए सेविंग्स अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से ओपन होगा जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट। आप खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करें जिससे आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। याद रहे वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, सेम टू सेम। उसके बाद मोबाइल नंबर ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है, जो आपका ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है। आप ओटीपी से यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने नजर आती हैं जिसे आप रीड करिए। रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करिए। जब आप आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड वाला सबसे ऊपर अकाउंट दिखा दिया जाता है और उसके नीचे विदाउट डेबिट कार्ड वाला, जो कि पहले जिस तरह से आप अकाउंट खोलते थे जियो पेमेंट बैंक का, उसी प्रकार के नीचे में अकाउंट है। तो जो नया अकाउंट लॉन्च किया गया है वो विथ रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है और इसका चार्जेस बिल्कुल जीरो है, कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा और दोनों ही अकाउंट में आपको यूपीआई मिलता है। लेकिन जो नीचे वाला जो विदाउट डेबिट कार्ड वाला है उसमें सिर्फ यूपीआई के लिए डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऊपर जो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है ना इससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं और वर्चुअल कार्ड आपको इंस्टेंट मिलता है। अगर इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट को देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस जो कि प्रत्येक 3 महीना पर 2 बार मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू 2 लाख रुपए का मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर हर महीने
₹200 का बिल पेमेंट और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आपको ऑफर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्हेंस डेली POS या ई कॉमर्स शॉपिंग लिमिट, जिसमें आपको ₹50,000 का देखने को मिलेगा। 10 फ्री ATM ट्रांजेक्शन पर मंथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डेली विड्रो लिमिट ₹1.5 लाख बताई गई है। उसके बाद एक्सक्लूसिव ऑफर जो कि शॉपिंग ट्रेवल वगैरह पर ट्रांजेक्शन करने पर मिलेगा, तो ये डेबिट कार्ड का बेनिफिट है। अब अकाउंट के बेनिफिट के बारे में बात करें, जो कि दोनों प्रकार में से कोई अकाउंट आप खोलते हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा, जिसमें नो मिनिमम बैलेंस, यानी दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। हायर आपको मिलेगा रिटर्न, जो कि आपको 3.5% के अनुसार से पर एनम के अनुसार से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आप बैलेंस रखेंगे। उसके बाद फ्री ऑनलाइन फंड ट्रांसफर दोनों में सर्विसेज आपको मिल जाती है, UPI सर्विस दोनों में मिलता है, बिल पेमेंट और रिचार्ज वाला सर्विस भी आपको मिलता है। फ्री मंथली स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है, ई स्टेटमेंट, और नो SMS चार्ज, यानी SMS के लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाता है, जो कि और भी बैंक SMS के लिए अलर्ट चार्ज लेती है, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उसका चार्ज जीरो है। तो इसमें से जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डेबिट कार्ड वाला ही खोलिए, बढ़िया रहेगा। अब आपको यहाँ पर पैन नंबर आधार नंबर दर्ज करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जब OTP पर क्लिक करते हैं तो कंसेंट आता है, जिसे एग्री करेंगे वैसे ही आपके आधार पर एक OTP मतलब आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। उसके बाद जब आप वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर डिटेल आधार कार्ड का शो होता है, जिसे आप देखेंगे, और नीचे में अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम ही है तो टिक कर देंगे, आधार वाला और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम ही है, तो अगर अलग है तो टिक हटाकर आप एक नया एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कहेगा कि सेल्फी लीजिए, तो इसके लिए आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है नीचे, जो कि तुरंत आप सेल्फी क्लिक करेंगे, और यहीं पर लोगों को दिक्कत होता है। तो सेल्फी टिप्स क्या दिया गया है, तो मास्क वगैरह हटा दीजिएगा अगर लगाए होंगे तो, और बिल्कुल आपको अपना अच्छा सा चेहरा दिखाना है। बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा कि कोई एक कलर का रखिएगा, क्योंकि आगे जो है लोगों को सेल्फी में ही दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो परमिशन मांगेगा, तो परमिशन का अलाउ कर देंगे, जो कि इस तरह से। अलाउ करने के बाद आपको अपना फेस बिल्कुल सही रखना है, सीधा रखना है, और ज़्यादा हिलडुल मत कीजिएगा, नहीं तो इसीलिए यहाँ पर क्लिक नहीं होता, और आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया मतलब फ़ोटो ही नहीं क्लिक हो रहा। तो बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा कि कोई एक ही कलर में हो, और ये फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा और उसके बाद वेरीफाई होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका सेल्फी वेरीफाई हो जाएगा तो कंग्रेचुलेशन करके आएगा, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट कर देगा आगे की तरफ। अब आपको यहाँ पर मैरिटल डिटेल डालना है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद फादर्स नेम, जो कि फादर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है ना, वही आपको दर्ज करना है। उसके बाद मदर्स नेम, जो कि मदर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दर्ज करिए, और उसके बाद नीचे प्रोसीड की बटन आपको दिख रहा है तो इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए सारा सिलेक्ट करके। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल में ही देखेंगे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप क्या है आपका पैसा, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई अदर है, तो आप यहां से अदर वाले ऑप्शन को भी चुन सकती हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन डिटेल है आप यहां पर डाल देंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो आप सोर्स ऑफ इनकम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम रहता है, जो कैटेगरी चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। उसके बाद सालाना इनकम का सेलेक्ट रेंज कर लेंगे, मतलब रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका एनुअल इनकम है उसको यहां से आप चुन लेंगे। चुनने के बाद यहां पर एग्री करेंगे और फिर प्रोसीड जो नीचे बटन है इस पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी ऐड करने को बोलेगा, तो आप चाहे तो अभी ही ऐड कर लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अभी ही कर लीजिए। इसके बाद जो आपका डेबिट कार्ड रहता है वो दिखाया जाता है कि डेबिट कार्ड के ऊपर ये नाम रहेगा, फिर आपको आगे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूरा के पूरा डिटेल आपको दिखाता है, आप अभी भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो आप अगर डिटेल आपका सही है तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ है जैसे फैमिली डिटेल या पर्सनल डिटेल या नॉमिनी डिटेल वगैरह में, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकती हैं। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड करेंगे आप। प्रोसीड करने के बाद वीडियो KYC का यहाँ पर प्रोसेस दिखाया जाता है। इसमें बताया गया है कि आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा का यूज होगा, इसलिए आपके मोबाइल फोन या डिवाइस में फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए।
इसके बाद आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहना होगा जहाँ से लाइटिंग वगैरह की कंडीशन अच्छा हो, और आप अपने ओरिजिनल पैन कार्ड अपने साथ रखेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन जो रहेगा वो स्टेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन घटिया हो और बार बार आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर सही से वीडियो कॉल हो नहीं सके। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए आप स्टार्ट कॉल विथ एन एजेंट पर क्लिक करके आगे वीडियो KYC स्टार्ट कर सकते हैं। मैं किसी और का यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं आपको वीडियो KYC की प्रक्रिया नहीं दिखा सकता। वीडियो KYC में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपसे जो अकाउंट में आप डिटेल देते हो जैसे एड्रेस का, पिन कोड वगैरह, फादर्स नेम, यही सब आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद जो आपका पैन कार्ड का फोटो रहता है वो क्लिक करवाया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का वीडियो KYC जो है आगे पूरा होता है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो KYC आपका सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक होता है। तो आप वीडियो KYC जब कंप्लीट करेंगे, वापस एप्लीकेशन पर आएंगे, होम पेज पर बैंक अकाउंट की ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप एमपिन सेट करिए जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के लिए। तो आप यहां से 4 डिजिट का एमपिन सेट कर लेंगे, जो कि ऊपर में भी वही और नीचे में भी री एंटर में दिया गया है, सेम टू सेम डालेंगे। और अगर आप फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर देंगे और उसके बाद सेट बटन पर क्लिक करेंगे। जब आपका एमपिन सेट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके बाद आपका अकाउंट यहां पर दिखाता है, जिसमें आप देखेंगे 0 बैलेंस अकाउंट है, मतलब कोई भी इसमें बैलेंस अभी नहीं रखा हुआ है, और पे का ऑप्शन, ऐड मनी करने का भी ऑप्शन आता है, और आप अपने अकाउंट डिटेल भी देख सकती हैं। जस्ट आप स्लाइड करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड यहां पर दिखाता है, जिसमें व्यू कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड रहता है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब आगे आपका वर्चुअल कार्ड दिखाई दे देता है, और साथ ही साथ अकाउंट डिटेल सब कुछ आपको दिख जाता है। तो इस तरह से आप जो है काफी आसानी से अपना डेबिट कार्ड प्राप्त करते हुए एक 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं जियो पेमेंट बैंक का, जो कि आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जियो फाइनेंस एप्लीकेशन के जरिए आप एक जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं और इंस्टेंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड जो रुपए प्लैटिनम वाला है वो मिल जाता है। डेबिट कार्ड के बेनिफिट भी आपने देख लिया। देखिए, अभी फिजिकल डेबिट कार्ड आया नहीं है, आप लोगों के एड्रेस पर जब आ जाएगा तो समझ जाओ कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल गया, और उसको जारी करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिखा गया है कि आपको एनुअल इतना देना पड़ेगा या जारी करने का चार्ज इतना देना पड़ेगा। और बेनिफिट आपने देखा कि फ्री इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, और लगभग बैंक जो है 4 बार महीने में फ्री ATM ट्रांजेक्शन आपको देता है, लेकिन ये 10 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोगों को जारी करने का चार्ज नहीं लग रहा तो जियो वालों को भी नहीं लगता होगा, उनको लगता होगा, लेकिन अभी जो है हम लोगों के लिए फ्री दिया जा रहा। आपको याद ही होगा कि जब जियो का सिम आया था ना, तब फ्री में आपको इंटरनेट और कॉलिंग मिलता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो के साथ जुड़ सके, और अभी जियो का फ़ायदा आप देख ही सकते हैं और किस तरह से जियो ने मार्केट पकड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते। तो यही चीज आप जियो फाइनेंस एप्लीकेशन के जरिए जो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन होता है या फिर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट आप खोलते हैं तो यही चीजों के लिए अभी सारा सर्विस फ्री दिया जा रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जियो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ सके और आप लोग अकाउंट खोल सके, और जो भी सर्विसेज आपको पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह में मिलता था वो सर्विसेज यहां पर पूरी तरह से कोशिश किया गया है कि जियो पेमेंट बैंक में आप लोगों को मिले। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि अभी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा रखा है, और जो पहले वाला यूजर है पेटीएम पेमेंट बैंक का वो भी क्रेडिट, ऐड मनी और डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, और नया लोग तो अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं, ना ही वो वॉलेट वगैरह खोल सकते हैं, क्योंकि रोक लगा हुआ है। अब इसी बीच जियो सोच रही है कि चलो मैं अपना बिजनेस को थोड़ा सा बूस्ट दे देता हूँ। थोड़ा क्या, वो ऑलरेडी अपने बिजनेस को बहुत बूस्ट दे चुकी है, जिसमें बहुत लोग जो है जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में सारे सर्विसेज मिल जाता है, और जो नया वाला जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट लाया गया ना डेबिट कार्ड, वो तो भाई पूरा मार्केट में कंपटीशन धूमधाम मचा दिया है। तो जितने भी बाकी के पेमेंट बैंक है ना, उन सभी को टक्कर जियो पेमेंट बैंक अभी दे रही है, क्योंकि इसमें रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है और बाकी सारे सर्विसेज दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी सर्विसेज बाकी है, जैसे चेक वगैरह की सर्विस, जो कि कैंसिल चेक वगैरह, बहुत सारी सर्विस अभी भी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि आगे वो सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे जो कि आप लोग खुद जियो पेमेंट बैंक इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो भाई आप खोल सकते हैं, और नहीं खोलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहले से अगर आप अकाउंट खोल चुके हैं और चाहते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड कैसे
मिले, तो इसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं अपडेट दूंगा। जैसे मैंने बात किया जियो पेमेंट बैंक के जो कस्टमर सर्विस थे उनसे, तो उनका कहना है कि एग्जिस्टिंग यूजर को अभी नहीं दिया जा रहा, जब दिया जाएगा तो सूचना दे दिया जाएगा, और इस पर कोई अपडेट आता है तो आपको सूचना दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिए, और जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।